एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, तबाह कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे। तो अभी आपने थंबनेल और प्रीव्यू को देखकर तो पता चल ही गया होगा किस तरह का स्टेटस बनने वाला है आज नागपुरी सॉन्ग के ऊपर। अगर आपको इस तरह का स्टेटस अपने मोबाइल फ़ोन से क्रिएट करना है अपने फ़ोटोज़ लगा के, तो आपको इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ गाइस, मेरा जो भी स्टेटस मैं बनाता हूँ उसको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है अलाइट मोशन एप्लीकेशन। अगर आपके पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी जिस वीडियो को देख रहे हैं वहां उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक बीट मार्क प्रोजेक्ट एंड सैक इफेक्ट का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आप उन दोनों को इम्पोर्ट कर लेना अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन में। वह इम्पोर्ट करने के बाद आपको बीट मार्क जो दिख रहा है गाइस, यहाँ पे बीट मार्क प्रोजेक्ट, इस पर आपको एंटर कर लेना होगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे सॉन्ग पहले से ही लगा हुआ है, सॉन्ग लगा है तो आपको अभी एक फ़ोटो का ज़रूरत पड़ेगा। तो फोटो कैसे लेते हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर लेंगे सिंपली। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन जो दिख रहा है, यहाँ पे मीडिया पे क्लिक कर लेंगे। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको अपना फ़ोटो जो है ले लेना होगा। जैसे मैंने ये फ़ोटो बना के रखा है, अगर आपको इस तरह का फ़ोटो बनाना नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ले आऊँगा बहुत जल्दी। तो ये फोटो लेने के बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन नंबर पे जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपको एक दो पॉइंट बढ़ा लेना ताकि हिलने से भी कुछ प्रॉब्लम ना आए। और आपको यहाँ पूरा लास्ट तक आ जाना है। लास्ट तक आने के बाद इस फोटो पे यहाँ क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसे पूरा लंबा कर लेना होगा लास्ट तक। लंबा करने के बाद आप सबको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ से बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद आप सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट जो इम्पोर्ट किए थे उस पर आपको एंटर कर लेना होगा। एंटर करने के बाद आपको ये जो फोटो है फोटो पे क्लिक कर लेना है। फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो इफेक्ट का ऑप्शन जो दिख रहा है गाइस, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे सिंपली। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है गाइस, थ्री डॉट पे सिंपली क्लिक कर लेंगे, कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। कॉपी इफेक्ट करने के बाद आप सबको यहाँ से बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद आप सबको उसी बीट मार्क प्रोजेक्ट पर एंटर कर लेना होगा। एंटर करने के बाद आप सबको उसी फोटो पे क्लिक कर लेना होगा। फोटो पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है गाइस, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे आ जाएंगे और पेस्ट इफेक्ट कर देंगे, इस पर जो इफेक्ट लग चुका है। ओके गाइस, इफेक्ट लगने के बाद आप सबको करना कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस पे आ जाएंगे और मैं बॉर्डर का PNG जो है गाइस उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मीडिया पे क्लिक कर लेता हूँ सिंपली। ये जो है मेरा गाइस बॉर्डर में व्हाइट कलर का, इसे मैं ले लेता हूँ। ओके गाइस, लेने के बाद गाइस ये थोड़ा मोटा और बड़ा लग रहा है, इसको अभी छोटा कैसे करेंगे, यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे और इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तीन नंबर पे आ जाएंगे, ये थोड़ा जूम कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरह कर लेना होगा। अब अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा सेट कर लीजिएगा, जिधर आपका मन करे उधर कर लीजिएगा। ओके गाइस, इतना होने के बाद आप सबको इसे और थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम। बढ़ाने के बाद आप सबको इधर लास्ट तरफ आ जाना होगा। लास्ट तरफ आने के बाद आप सबको इस बॉर्डर पे क्लिक कर लेना होगा। बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करके बॉर्डर को भी लास्ट तक पहुँचा देना होगा। बॉर्डर को लास्ट तक पहुँचाने के बाद आप सबको फिर से फर्स्ट तरफ आ जाना होगा। फर्स्ट तरफ आने के बाद आप सबको ये जो दिख रहा है गाइस प्लस प्लस पे क्लिक कर लेंगे, मीडिया पे चल जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद ये जो गाइस मैंने इमोजी बना के रखा है PNG टाइप का, अगर आपको इस तरह का PNG बना नहीं आता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं गाइज मैंने ये PNG बना कर रखा है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे, इसे छोटा कर लेंगे, आप भी छोटा कर लीजिएगा या फिर बड़ा कर लीजिएगा और अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा कहीं पर भी। मैं कहीं पर भी लगा दे रहा हूँ आपको बताने के लिए गाइज, आप सब कहीं पर भी लगा सकते हैं। ओके, इतना होने के बाद आपको फिर से प्लस पे जाना होगा। ये नागपुरी सॉन्ग में बन रहा है तो इसका गाइज मैंने सॉन्ग का नाम लिखा है, वो भी PNG टाइप का बना के रखा है, ये देख सकते हैं गाइस, इसको मैं ले लूँगा। ठीक है, लेने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे, इसे भी एडजस्ट कर लेंगे और आप कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो जैसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आप भी इसे अपने हिसाब से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, एडजस्ट करने के बाद आप सबको फिर से प्लस पे जाना होगा। कौन सा सॉन्ग में बन रहा है? नागपुरी। ठीक है गाइस, यहाँ पे प्लस मीडिया पे आ जाएंगे। मीडिया पे आने के बाद इसका भी PNG एक बना के रखा हूँ मैं, देख सकते हैं गाइज कहाँ गया, ये रहा। ठीक है गाइज, इसका भी PNG, इसको भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब मैं सिंपली प्लस पे क्लिक कर लेता हूँ। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना होगा और इसे आप
अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, जैसे मैंने बाकी सब सेट किया, आपको भी इसी तरह कहीं पर भी लगा लेना। मैं यहाँ पर फिलहाल लगा देता हूँ, आप सबको बताने के लिए आप कहीं भी लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पर लगाने के बाद आप सबको करना कुछ नहीं, यहाँ से बैक चले जाना है। ओके, बैक नहीं जाना है, यहाँ पर आ जाना होगा, इधर पूरा लास्ट तक आप सबको आ जाना होगा। लास्ट तरफ आने के बाद इन जो फोटो सब छोटा छोटा, इन सबको लंबा कर लेना होगा। जैसे मैं लंबा कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरह लंबा कर लेना। ओके गैस, लंबा करने के बाद देख सकते हैं फोटो बहुत ही अच्छा स्टेटस बन गया। ओके गैस, बनने के बाद आप सबको और एक काम करना होगा। वो क्या काम है अभी मैं बता देता हूँ आप सबको। तो गाइज, यहाँ तक तो मेरा नागपुर स्टेटस का PNG लग चुका है। गाइज, यहाँ तक तो मेरा काम खत्म हो चुका है। अगर आपका YouTube चैनल है या फिर Telegram चैनल है या फिर आपका कुछ भी चैनल है, आपका उस चैनल का लोगो ले सकते हैं। अगर लोगो बनाना नहीं आता तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं सबका इस सब मैंने कैसे बनाया PNG टाइप का मैं बना दूंगा। ओके गाइज, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा, मैं सिंपली मीडिया पे चल जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद मैंने एक बना के रखा था मेरा लोगो, गाइज कहाँ गया देख सकते हैं, यहाँ पे है। मैं इसे ले लेता हूँ, ठीक है। लेने के बाद मैं इसे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाऊँगा। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आने के बाद यहाँ पे आपको इसे छोटा कर लेना होगा। ओके गाइस, छोटा करने के बाद मैं इसे कहीं भी एडजस्ट कर रहा हूँ, आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसके नीचे लगा दूंगा, ठीक है गाइस, या फिर इसके नीचे नहीं लगाने से भी आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, आप अपने हिसाब से कहीं पर भी लगा देंगे। तो मैं यहीं पर लगा देता हूँ गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर हो गया। ओके गाइस, इतना होने के बाद आप सबको क्या करना होगा, ये जो गाइस दिख रहा है आपको अभी जो आपने लिया था, क्या बोलते हैं लोगों को, लोगों पे क्लिक कर लेना। लोगों पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट पर चल जाएंगे। इफेक्ट पर जाने के बाद आपको ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर लेंगे। ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप सबको लॉन्ग शेडो का इफेक्ट जो दिख रहा है गाइस यहाँ पे, अगर आपका मैं नहीं दिखा तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा LONGSH, देख सकते हैं लॉन्ग शेडो का इफेक्ट आ गया, ठीक है गाइस। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ स्टैंडर्ड सेटिंग जो है गाइस यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप सबको देख सकते हैं गाइस यहाँ पे अल्फा का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है गाइस। अल्फा को आपको बढ़ा लेना है, डार्क कर लेना है। मैं कितना तक बता देता हूँ आपको, 56.9 इतना तक करने के बाद आप सबको फर्स्ट तरफ आ जाना है, और साइज को माइनस कर लेना होगा क्योंकि इतना तक। ओके, इतना तक करने के बाद 0.019 तक करने के बाद आप सबको यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना होगा। ओके गाइस, कॉपी इफेक्ट करने के बाद आप सबको लास्ट तक आना होगा। लास्ट तक आने के बाद इस बॉर्डर, सॉरी गाइस, PNG को, सॉरी गाइस, क्या, अरे कहना क्या चाहते हो, लोगों को भी क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके इसे लंबा कर लेना होगा। लंबा करने के बाद आप सबको अभी जो आपने सॉरी गाइस इफेक्ट कॉपी किया था उसको आपको यहाँ पे आ जाना होगा। जैसे कि आपका इमोजी जो है गाइस, इमोजी पे आपको क्लिक कर लेना होगा। इमोजी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो इफेक्ट का ऑप्शन दिख रही है, इफेक्ट पे क्लिक करके 3 डॉट पे आकर पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। इसमें भी शेडो लग चुका है। ओके गाइस, इसमें शेडो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, इसमें ज़्यादा दिख रहा है, तो इस पर लॉन्ग शेडो पे आ जाएंगे और इसे थोड़ा माइनस कर लेंगे 1-2 पॉइंट, ठीक है गाइस। 1-2 पॉइंट माइनस करने के बाद आप सबको इन सब में कहाँ गया गाइस, नाम जो था गाइस सॉन्ग का नाम, ये जैसे कि ये है गाइस, ठीक है गाइस, यहाँ पे आ जाएंगे, इफेक्ट पे आ जाएंगे, सॉरी गाइस ये नहीं है, ये है शायद, हाँ ये है, इस पर इफेक्ट पे आ जाएंगे और इसे 3 डॉट पे जाकर पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। इस पर भी लग गया। ओके गाइस, और इसमें तो पहले से लगा है गाइस, नागपुर स्टेटस जो लिखा है इसमें पहले से लगा है। ओके गाइस, इसमें नहीं लगाना है, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है गाइस। इतना तक होने के बाद देख सकते हैं स्टेटस पूरा बांध के रेडी हो चुका है। ओके गाइस, अब इसको सेव करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर में राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है गाइस, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेंगे, और वीडियो के राइट साइड में एक एरो का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, 720 तो 720, मैं सजेशन करूँगा आपको 720 में ही सेव करना है, ठीक है। 720 कर लीजिएगा, इसे आपको फुल कर लेना होगा, और इसे भी आपको फुल कर लेना होगा, और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना होगा। ओके गाइस, आपका वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा, एक लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा चैनल में गाइस ऐसा धमाकेदार स्टेटस, नागपुरी या फिर हिंदी, ऑल टाइप स्टेटस आता ही रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।